हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। होप सो इस COVID-19 सिचुएशन में आप और आपकी फैमिली सुरक्षित है। आज हम जो वीडियो लाए हैं, ये जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऐसे सिचुएशन पे दो चीज होता है, एक फोटो डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। वहां पे केबी का रिक्वायरमेंट होता है कि इतने केबी से लेके इतने केबी तक का फाइल सिर्फ हमें अपलोड करना है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, कैसे वो केबी को कन्वर्ट करना है, इसके बारे में हमने ये वीडियो में कवर अप किया है। एंड तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हमने नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाने वाले हैं इसके बारे में हमने बताया है। तो वीडियो को अधूरे में स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। और एक और रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर लेटेस्ट कोई भी वीडियोस आएगा हमारी तरफ से वो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं फोटो को केबी में कैसे कन्वर्ट करना है, मीन्स केबी को कम करना या ज्यादा करना। लेकिन ये करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट किस चीज का होता है। तो ऑनलाइन जब हम फॉर्म भरते हैं तो फोटो साइज का रिक्वायरमेंट जो होता है पिक्सल्स में, वो 200x230 का रिक्वायरमेंट होता है और सिग्नेचर का 140x60 का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दूसरा डीपी, जैसे 300 डीपी है, 3.5x4.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पिक्सल्स होना चाहिए। 100 डीपी है तो वहां पे कितना पिक्सल्स होना चाहिए। 96 डीपी में अगर कन्वर्ट करना है तो वहां पे कितना पिक्सल्स होना चाहिए। 72 डीपी है तो वहां पे कितना पिक्सल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये पिक्सल से रिलेटेड है, तो हम पिक्सल से रिलेटेड पहले देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी जगह पे ऐसा भी रिक्वायरमेंट होता है कि 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट। फोटो जो है, सपोज फॉर एग्जांपल, 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 10 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैसे करते हैं, तो ये सब सारा चीज देखेंगे हम। और साथ ही साथ सेव एज, जैसे कि अगर फोटो फॉर्मेट चेंज करना है, PNG को JPG में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करना है ये भी चीज देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोसीजर। सबसे पहला मैं यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ। फाइल में यहाँ पे ओपन, जो फोटो के साथ आपको करना है काम उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे ये ओपन किया मैंने, यहाँ पे एक राहुल करके एक बंदे का यहाँ पे फोटो रखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया ओपन। ठीक है, अब ये फोटो का एक्चुअल जो साइज है पिक्सल्स में, वो 945x1181 पिक्सल्स का साइज है, जो काफी बड़ा है। अगर इसे हम ऑनलाइन फॉर्म में अगर अपलोड करते हैं तो वहां पे आपको एरर दिखाएगा कि इमेज साइज शुड बी डिसमस टू डिसमस, ये सब सारी चीजें दिखाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ये फोटो है। फोटो के लिए अब यहाँ पे रिसाइज में जाके आपको यहाँ पे पिक्सल्स दिख रहा होगा, सो पिक्सल्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको साइज देना। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ साइज क्या है। फोटो के लिए 200x230 पिक्सल्स है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 200 आपको मेंशन करना है और नीचे यहाँ पे 230 मेंशन करना है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल का जो ये पिक्सल्स का ये है, ये चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो है, ये आपको बंद कर देना है। यहां से बंद करने के बाद फिर जाकर वापस से 200x230 आपको यहाँ पे करके एंटर करना है, ये फोटो का साइज ऑटोमेटिकली सेट हो गया। अब इसको अगर आपको सेव करना है तो आप सेव में जाके, सेव एज में जाके आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। जैसे राहुल यहाँ पे ऑनलाइन करके मैं एक नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राहुल ऑनलाइन। और यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा चाहिए, डिमांड कौन सी चीज का है, बिटमैप का है, जेपीजी का है, गिफ का है, पीएनजी का है। नॉर्मली जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट जो होता है जेपीजी का होता है, तो जेपीजी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। ये हो गया सेव। अब यहाँ पे सेकेंड फोटो हो गया, अब यहाँ पे साइन का लेते हैं। साइन के लिए आप ओपन में वापस से जाते हैं। ओपन में जाने के बाद आप यहाँ पे, मैं फोटो कहाँ पे रखा, ये डॉक्यूमेंट्स में देखो, यहाँ पे सिग्नेचर रखा हुआ है, सिग्नेचर को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये सिग्नेचर, ये सिग्नेचर का जो साइज है 1050x700 pixels, ये भी काफी बड़ा है। तो अब इससे स्मॉल करने के लिए इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका रिक्वायरमेंट है साइज, सिग्नेचर का जो रिक्वायरमेंट है वो 140x60 है।
तो इसके लिए वापस से आप साइज में जाते हो, साइज में जाने के बाद पिक्सेल्स पे क्लिक करते हो। ध्यान देना ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो है इसे बंद कर देना है, और यहां पे फिर वापस से दिखा देता हूं मैं एक बार साइज आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट 140x60। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो 140 कर रहे हो, 140 के बाद यहाँ पे आप 60 करो, 60 करने के बाद ये हो गया, ये साइन हो गया। अब इसे सेव करना है, वापस से आप जाके यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज में जाके किस फॉर्मेट में सेव करना है डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में मुझे साइन ये सेव करना है। अब यहाँ पे लिख देता हूं राहुल सिग्नेचर, ये हो गया सेव, ठीक है। इस तरीके से फोटो और साइन जो है आपको केबी में पिक्सेल्स में अगर है कन्वर्ट करना है, कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर कि फोटो जो होता है कभी कभार ऐसा होता है कि फोटो हमारे पास रहता है लेकिन फोटो बहुत डल रहता है या फिर बहुत डार्क रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। ये फोटो है हमारे सामने, ये फोटो, ये वाला सुनील का ये फोटो हम लेते हैं। फोटो को मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाके यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 करके दिख रहा है, हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 दिखे, तो ऐसे सब चीज पे ये आप कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको ओपन किए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट पिक्चर करके, ये डायलॉग बॉक्स बंद कर दिया मैंने, एडिट पिक्चर करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये फोटो अभी आप देख रहे हो सामने बहुत डार्क दिख रहा है, अभी ये फोटो को लाइट ब्राइटनेस करना है तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाके आप यहाँ पे ब्राइटनेस भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि कितना ब्राइटनेस चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कितना चाहिए, इस हिसाब से आप ताकि वो विजिबल हो, अच्छे से विजिबल हो जाए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। करने के बाद डायरेक्टली आप इसे सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा के आप डायरेक्ट सेव कर दो, ऑटोमेटिकली जो आपका फाइल था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो चेंज हो गया, सेव हो गया ऑटोमेटिकली, फोटो सेव हो। ओपन करके देख लेते हैं फोटो को, ये देखिए फोटो, ठीक है क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स यही कुछ चीज आपको बताना था इसके अंदर। दूसरा और भी चीज, अगर आपको किसी फाइल का या फिर प्रॉपर्टी देखना है, अगर फोटो एक्चुअल उसका साइज क्या है, तो आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप उसके ऊपर माउस जैसे आप रखते हो तो वहां पे वो बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 200x230 है, साइज क्या है 17.5 KB है। सिग्नेचर का देख लेते हैं यहाँ पे इसका 140x60, मतलब ये बरोबर है, लेकिन ये पहले वाला जो जिसपे हमने काम किया था, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करिए, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे चैनल्स के लिए तो आप जरूर हमें कमेंट्स में लिखिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा आपका सजेशन अगर आपको मिलेगा। दूसरा नेक्स्ट वीडियो जो हम कवर अप करने वाले हैं वो एमएस ऑफिस मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के पैकेज में सबसे पहला वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।